सबसे पहले मैं कृष्ण कुमार पोदारा जी को CSIR NET JRF 2024 एग्जाम क्वालिफाई करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस एग्जाम में कौन सी रैंक प्राप्त की है? मैंने इस एग्जाम में 46 रैंक प्राप्त की है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। क्या आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए करियर एंडेवर कोचिंग ज्वाइन की थी। आप अपनी कोचिंग के विषय में क्या हमें बोलना चाहेंगे? मैंने ये कोचिंग में हमारे 8-10 हाउस क्लासेस होती थी और प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन पेपर्स होते थे और मॉक टेस्ट पेपर्स होते थे और दो ऑलमोस्ट गुड प्रैक्टिस हो जाती थी क्वेश्चन। आपने अपनी MSc किस कॉलेज से किया? मैंने मेरी MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से की है। अच्छा, आप अपनी इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपने जो जूनियर्स हैं जो अभी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं जूनियर्स को ये टिप्स देना चाहूँगा कि आप कंसेप्ट और थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पे अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो क्वेश्चंस का रदर वर्क देता है। ठीक है, आपने ये जो एग्जाम अभी दिया है, क्या आपने इससे पहले भी ये एग्जाम दिया है? कौन सा अटैम्प्ट है ये? मैम मेरा सेकंड अटैम्प्ट है डिप्रेशन के साथ। वैसे मैं ये बहुत बधाई। अंत में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैम मेरी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे दोनों बहनों का देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा हर टाइम सपोर्ट करा, और मैं मेरे विशेषकर मेरे दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे अप्स डाउन्स में मेरे को मोटिवेट करते रहे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिन्होंने मेरे को फिजिक्स में एक अच्छा बेस क्रिएट करा और जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाया, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जहाँ मैंने 5 साल फिजिक्स पढ़ी और अभी मेरे इन फ्यूचर फिजिक्स में कहीं जाता हूँ रिसर्च के लिए, तो अच्छा खासा बेस प्राप्त कर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपको अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।